और जैसा वीडियो फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल तो आज हम लोग दूसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं प्रीवियस इयर्स आरआरबी जेई का राइट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे देखिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपको गाइड करेगा कि किस तरह से पढ़ना है क्या करना है क्या पढ़ने की जरूरत है क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है हर संभव रूप में हर सब्जेक्ट में थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपको गाइड करने के लिए ही है बस आप थ्योरी टू प्रैक्टिकल के साथ बने रहें और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए बट अगर उनको सही डायरेक्शन में सही चीज़ें पढ़ेंगे तो सेलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे माई डियर ठीक है तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेट्रोल एंड डीजल इंजनस ऑफ ऑटोमोबाइल आर पेट्रोल एंड डीजल इंजनस ऑफ ऑटोमोबील आर क्या होते हैं ये ऑप्शन क्या है रोटरी इंजन रेसिप्रोकेटिंग इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन या कार्नोट हीट इंजन चार ऑप्शन दिए हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग नीचे से चलते हैं ऑप्शन डी देखते हैं कार्नोट हीट इंजन तो देखिए हमको पता है कि जब हम लोग कार्नोट की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट दिस इज एन आइडियल साइकिल क्या है ये आइडियल साइकिल है राइट आइडियल कॉन्सेप्ट है दिस इज आइडियल कॉन्सेप्ट नॉट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट तो क्या कार्नॉट हीट इंजन पर प्रैक्टिकल पेट्रोल और डीजल इंजन रन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो ये ऑप्शन नहीं है दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल कम्बशन इंजन सी एक्सटर्नल कम्बशन इंजन में क्या होता है कि कम्बशन प्रोसेस अगर आउटसाइड द सिस्टम सिस्टम के बाहर हो रहा है कम्बशन एज इन केस ऑफ रैनकिन साइकिल जब रैनकिन साइकिल देखते हैं तो वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि बॉयलर जो है वो बाहर लगा हुआ है सारी चीज़ें हीटिंग कम्बशन सब बाहर हो रहा है सिस्टम सिर्फ अंदर आपका वर्क कर रहा है राइट right? तो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन इंजन ये नहीं है बिकॉज ऐसे भी समझिए कि हम जब भी ये सब्जेक्ट में पेट्रोल और डीजल इंजन पढ़ते हैं तो हम हमेशा उसको किस में पढ़ते हैं वी इट वी रीड इट इन इंटरनल कम्बशन इंजन कहाँ पढ़ते हैं उसको इंटरनल कम्बशन इंजन्स में आई सी इंजन सब्जेक्ट में तो दिस इज एन इंटरनल कम्बशन इंजन जहाँ पर कम्बन कहाँ पर होता है विद इन द सेटअप इट सेल्फ सेटअप के अंदर ही होता है अब दो ऑप्शन बचते हैं रोटरी इंजन है या रेसिप्रोकेटिंग इंजन है राइट तो रोटरी इंजन क्या होता है कि यहां पर रोटेशन रोटेशन द एनर्जी जनरेशन हो रहा है राइट तो रोटरी इंजन का यूज कहां पर करा जाता है रोटरी इंजन का यूज वहां करते हैं वेयर वी हैव लार्ज वॉल्यूम वेयर वी हैव लार्ज वॉल्यूम टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम टू हैंडल ठीक है एट लो प्रेशर एट लो प्रेशर राइट और एट लो प्रेशर नहीं ऐसे करिए लार्ज वॉल्यूम टू लार्ज वॉल्यूम टू हैंडल एंड प्रेशर राइज शुड नॉट बी टू हाई प्रेशर राइज हमको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वहां पर रोटरी इंजन यूज होते हैं बट रेसिप्रोकेटिंग इंजन कहाँ यूज करे जाते हैं जहाँ पर प्रेशर राइज ज़्यादा चाहिए और वॉल्यूम बहुत कम होता है राइट एज इन केस ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन देखेंगे कि बहुत कम मास होता है जिसको हमको कंसिडर करना है जिसपे हमको वर्क करना है बट प्रेशर राइज ज़्यादा चाहिए वी नीड हाई कंप्रेशन रेशियोज और हाई कंप्रेशन चाहिए तो इसलिए पेट्रोल और डीजल इंजन जो होते हैं दे रन ऑन रेसी प्रकटिंग इंजेंस ये आई हैव एक्सप्लेन यू कि ये आंसर क्यों है और बाकी क्यों नहीं है तो इससे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं राइट right? कार्नॉट इंजन इज द प्रैक्टिकल इंजन एक्सटर्नल कम्बन इंजन कहाँ यूज़ होते हैं और रोटरी इंजन का यूज कहाँ होता है कैसे होता है तो वी विल बी लिंकिंग अप थिंग्स चीज़ों को जोड़ते चलेंगे और चीज़ों को और आसान बनाते चलेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अ फ्लूड फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ द फ्लूड चेंजेस देखिए एक फ्लूड फ्लो कर रहा है लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी और फ्लूड फ्लो कर रहा है जहां पर उसका डेंसिटी चेंज हो रहा है क्या चेंज हो रहा है डेंसिटी चेंज हो रहा है फ्लो के दौरान डेंसिटी चेंज हो रहा है डेंसिटी रो ए टू रो बी तो वो फ्लूड क्या होगा देखिए जब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी बीटा बीटा इज इक्व टू बीटा इज वन अपॉन के होता है राइट और के क्या होता है बल्क मॉड्यूल्स और बल्क मॉड्यूल्स क्या होता है के इज इक्व टू माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी हम लोगों ने पढ़ा है राइट सो so, बीटा विल बी इज इक्व टू वट माइनस डी वी अपॉन वी डी पी या बीटाइदिक्वेश टू क्या होता है रो डी पी अपॉन डीरो पढ़ा है ना रो सॉरी बीटाइदिक्वेश्वेज टू रो डी पी अपॉन डीरो तो ये क्या है डेंसिटी की बात हो रही है इसका मतलब कम प्रेसिबिलिटी की बात हो रही है पर डेंसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब कम प्रेसिबिलिटी चेंज हो रही है इसका मतलब फ्लूइड क्या है इज़ कम्प्रेसिबल आंसर तो मिल गया दैट आंसर क्या है इट इज़ कम्प्रेसिबल न फ्लूड इज़ लीनियर और नॉन लीनियर दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट जिसके साथ हम अभी डील कर रहे हैं लीनियर नॉन लीनियर इज अ डिफरेंट थिंग यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक दो चीज़ होती है एक स्टेडी और एक यूनिफॉर्म स्टेडी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो इट इज़ स्टेडी अगर कोई चीज़ स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही है तो इट इज़ यूनिफॉर्म तो यहां पर इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं है और इनकमप्रेसिबल है नहीं राइट सो आंसर इज कंप्रेसिबल बात समझ में आई नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है इंजन बिटवीन बिटवीन टू अ हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर टी वन कह रहा है क्वेश्चन को ऐसे प्लॉट करते हैं एक कह रहा है कि कार्नोट इंजन जो है वो वर्क करता है बिटवीन टेम्परेचर टी वन और टेम्परेचर टी टू राइट ये हॉट टेम्परेचर है और ये कोल्ड टेम्परेचर है अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो तो हमको पता है कि एफिशिएंसी इज वन माइनस टी टू अपॉन टी वन साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है वन माइनस टी टू अपॉन टी वन या वन माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर यही तो है ये लोअर टेम्परेचर है या हायर टेम्परेचर है राइट right? तो अब एफिशियंसी कैसे बढ़ेगी सोचिए एफिशियंसी कैसे बढ़ेगी देखिए ऑप्शन वन देखिए लेट अस सपोज इसको हम ऐसे समझते हैं कि मैं मान लेता हूं कि लेट टी वन को मैं ले लेता हूं से थाउजेंड और टी टू को मैं ले लेता हूं से फाइव हंड्रेड ओके सो द एफिशिएंसी इज वन माइनस फाइव हंड्रेड अपॉन वन थाउजेंड दिस इज इक्व टू ज़ीरो पॉइंट फाइव ठीक है ये मेरा एजम्शन है एक एग्जाम्पल ओके okay? अब हम लोग देखते हैं कि हम ये एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं तो पहला ऑप्शन है T1 और T2 दोनों को बढ़ा दिया जाए ओके okay, बढ़ा करके देखो T1 को T1 को कर दो से 1200 और 500 की जगह पे 700 कर हंड्रेड दो। 700 दोन 1200, तो क्या हो गया 1200 में से 700, सौ पांच सो अपॉन बारह जाहिर सी बात है कि पांच बटे बारह कितना होगा ट्वेल्व फोर दी एट समेर अबाउट जीरो पॉइंट फोर एट समयगा विच इज लेस तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता दूसरा क्या है T1 वन एंड टी टू बोथ शुड भी डिक्रीज दोनों को डिक्रीज करके देख लो मान लेते हैं कि हम T1 को 300, T2 को 300 कर देते हैं इसको 800 कर देते हैं तो 1 माइनस थ्री हंड्रेड अपॉन एट तो 800 में से 300 गया 500, 500 बटे 800। तो ये हो गया 5 अपॉन एट तो ये 5 अपॉन एट का मतलब हो गया कितना फाइव समथिंग यस ये हो सकता है आंसर टी और टी दोनों को डिक्रीज करके हा हो सकता है राइट right? दोनों को डिक्रीज करके हो सकता है अगला क्या है टी वन शुड भी डिक्रीज एंड टी टू शुड भी इंक्रीज अब देखिए इसका केस टी वन शुड बी डिक्रीज यानी इसको हम कर दें एट हंड्रेड और इसको हम कर दें सिक्स हंड्रेड तो वन माइनस सिक्स हंड्रेड अपॉन एट हंड्रेड तो आठ सौ में से छ सौ दो सौ अपॉन आठ सौ तो कितना है वन अपॉन फोर ये नहीं हो सकता है टी वन शुड बी इंक्रीज एंड टी टू शुड बी डिक्रीज टी वन को इंक्रीज कर दिया जाए सपोज इसको हमने कर दिया ट्वेल्व हंड्रेड और इसको डिक्रीज करके कर दिया हमने फोर हंड्रेड तो आ गया वन माइनस फोर हंड्रेड अपॉन ट्वेल्व हंड्रेड तो बारह सौ में से चार सौ गया आठ सौ बटे बारह सौ तो कितना हो गया थ्री अपॉन फोर जीरो पॉइंट सेवन फाइव अब यह भी आंसर हो सकता है और यह भी आंसर हो सकता है बोथ ऑप्शन बी एज वेल एज ऑप्शन डी आर करेक्ट लेकिन ज्यादा सुटेबल आंसर कौन सा है ऑप्शन डी क्योंकि एफिशिएंसी राइज ज्यादा हमको मिलेगी जब हम लोग हायर टेम्परेचर को और हाई करेंगे और लोअर टेम्परेचर को और लो करेंगे या और इफेक्टिव कब हो जाता है बस ये चीज हमको ध्यान रखना है कि एफिशियंसी बढ़ानी है ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो स्टेटमेंट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है एक वैल्यू अज्यूम कर लो अपने हिसाब से और जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से बड़ा घटा लो ठीक है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा कंपेरेटिवली बट आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा राइट right? अगर ऐसे अंधेरे में तीर चलाएंगे तो हो सकता है कि आंसर गलत कर दें बट ये आंसर ऐसा है कि ये गलत नहीं होना चाहिए ये श्योर शॉट सही होना चाहिए भले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए किसी और क्वेश्चन का टाइम जो बचाएंगे वो हम यहां पर यूज कर सकते हैं बट वी नीड टू गेट दैट वन मार्क वो आंसर हमको सही करना है बात समझते हैं तो इसका आंसर क्या होगा डी बोथ बी एंड डी आर करेक्ट लेकिन डी इज मच मोर बेटर देन ऑप्शन बी तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज ओके क्या है एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कंप्रेशन अगर किसी चीज को दबाया जाए तो क्या उसमें डिफॉर्मेशन होगा बिल्कुल डिफॉर्मेशन होगा बट एबिलिटी टू अंडर गो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या बहुत ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है राइट वी कैन सी कि बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिले तो ओके देखते हैं अगला है एबिलिटी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म अगर कोई चीज रिकवर कर रही है तो उसको डकटाइल नहीं उसको इलास्टिक बोलते हैं क्या बोलते हैं इलास्टिक बोलते हैं तो एबिलिटी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर जो बात हो रही है दैट इज अबाउट इलास्टिक एंड नॉट डक्टाइल तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता अगर ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो क्या ऑप्शन डी होगा ये भी नहीं हो सकता ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सी एबिलिटी टू अंडर गो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन तो यस दिस इज द करेक्ट आंसर डकटाइल मटीरियल का मतलब क्या होता है माइल्ड स्टील जैसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील या और गोल्ड क्या होते हैं तीज मटीरियल जब हम इन पे जब इनका स्ट्रेस ट्रेंड डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इसको आप खींचते जाइए ये लंबे खींचते चले जाते हैं राइट ये टूटते नहीं है ये खींचते चले जाते हैं एक पॉइंट के बाद इनका फ्रैक्चर पॉइंट आता है जहाँ पर वो टूटते हैं तो डक्टाइल मटेरियल क्या है जिनको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें डकटाइल मटेरियल्स को पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं च्यूइंग गम होता है ना चुविंगम चब आते हैं उसको आप खींचो के देखो बहुत दूर तक वो खींच जाता है उसका टूट जाता है तो वो एक तरह का क्या है डक्टाइल मेटीरियल है क्या है वो डकटाइल है राइट माइल्ड स्टील इज अ डटाइल मटीरियल गोल्ड इज अ डकटाइल मटीरियल ओके मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है यहीं पे आ गया मेलेबिलिटी अगर मेलेबल बोलता मतलब क्या है जिसको हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत पतली शीट्स में कन्वर्ट कर गोल्ड इज अबल मेटीरियल एज वेल राइट तो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके तो ये समझ में आया सिंपल क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ भयंकर क्वेश्चन नहीं आने वाले कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछेंगे क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे बट हमको बेसिक पता होना चाहिए अ लिक्विड विच डज नॉट वेट सॉलिड सरफेस हैज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है कह रहा है कि लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस देखिए आप अपना हाथ लीजिए और इस पर पानी का एक ड्रॉप डालिए ड्रॉप पानी इस पर गिराइए एक ड्रॉप पानी तो आपको क्या लगेगा कि आपका हाथ गीला हो गया है क्या हो गया है योर हैंड्स गॉट वेट हाथ गीला हो गया है बट अगर आप इसी की जगह पर मरक्यूरी लेंगे ना मर्क्यूरी मर्क्यूरी को आप अपने हाथ पर रखेंगे आपको क्या दिखेगा कि वो बॉल का शेप ले लेती है और ऐसे आपके हाथ पर एक बॉल बनकर रुक जाएगी एक छोटी सी बॉल बन के इस पर रुक जाएगी तो आपके हाथ को गीला नहीं करेगी इट विल नॉट वेट द सर्फेस इट विल नॉट वेट द सर्फेस आई रिपीट वो क्या करेगी एक बॉल बन के रह जाएगी क्या करेगी वो एक बॉल बन के रह जाएगी राइट right? तो ऐसा क्यों होता है वाई डज दिस हैपन वाई ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इसमें एक होता है एडहेशन और एक होता है कोहेशन नाउ व्हाट इज दिस एडहेशन देखिए अगर कभी आप फेविकोल खरीदेंगे फेविकॉल तो उसके ऊपर लिखा होता है एडहेसिव राइट एडहेसिव क्यों क्योंकि ये क्या करता है एडहेशन का मतलब या एडहेसिव का मतलब क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो जो फोर्स बनता है दैट इज एडहेशन उसको क्या बोलते हैं एडहैशन एडहैशन की वजह से एडहैशन की वजह से एक मॉलिक्यूल किसी फॉरेन मॉलिक्यूल से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है राइट right? लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल अपने खुद के मॉलिक्यूल से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन क्या बोलते हैं कोहेशन देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ समझ में आएगा सपोज दिस इज़ सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और यहां पर आप समझ लीजिए कि दिस इज सम रफ सरफेस ये क्या है रफ सरफेस तो क्या होगा कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं ये इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ना कि अपने पा... अपने मॉलिक्यूल्स की तरफ ठीक है तो यहां पर क्या होता है एड हैशन क्या होता है एड हैशन ठीक है लेकिन जब हम मर्क्यूरी की बात करते हैं तो अगर अगर मैं इसको मर्क्यूरी मान लेता हूं तो ये मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ना कि किसी बाहर की तरफ किसी फॉरेन एलिमेंट की तरफ अट्रैक्ट कम होंगे अपने मॉलिक्यूल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन क्या बोलते हैं कोहेशन राइट तो जो सरफेस वेट करता है सरफेस सॉरी uh, जो लिक्विड सरफेस को वेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव वो क्या है एडहेसिव है लेकिन अगर वो वेट नहीं कर रहा है तो इट इज़ कोहेसिव इन नेचर राइट इट इज़ कोहेसिव इन नेचर ठीक है और जो एडहेसिव सर्फेस होती हैं एडहेसिव उनका जो एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज़ एक्यूट एंगल कैसा बनता है ऑलवेज एक्यूट एंगल लेकिन जो कोहेसिव सरफेसेस होती हैं दे ऑलवेज फॉर्म ऑप्टीवूस एंगल क्या बनाते हैं ऑप्टीव एंगल कैपिलरी कैपिलरी इफेक्ट में पढ़ा है ना एच इज इक्व टू फोर सिकमा कॉस्ट ठीटा अपॉन रो जी डी ये फार्मूला हम लोग देखते हैं तो पढ़ते हैं कि वाटर के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है दैट इज जीरो डिग्री है ना लेकिन मर्क्यूरी के लिए थीटा की वैल्यू इज़ 128 डिग्री तो आप ऐसे भी ध्यान रखो कि जो सरफेस को वेट नहीं करता है वो ऑप्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा एग्जांपल मर्क्यूरी थीटा कितना होता है 128 डिग्री लेकिन जो सरफेस गीला कर रहा है वेट कर रहा है जो लिक्विड वेट कर रहा है सरफेस को उसको क्या बोलेंगे वो, वो क्या शो कर रहा है एडहेसिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है और वहां पर जो थीटा होता है वो होता है एक्यूट एंगल एग्जाम्पल वाटर पानी सिंपल एग्जाम्पल बात समझ में आती है क्या इतनी बात समझ में आई तो इसका आंसर क्या होगा अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस हैज ऑबट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ऑबट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट बात समझ में आई अगला क्वेश्चन तो देखिए माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ये आरआरबी जेई के प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस एसएससी एस से भी लिए गए हैं क्योंकि अभी एसएससी हटा करके सिर्फ आरआरबी कर दिया है लेकिन क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं या इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इसीलिए ये क्वेश्चंस ही कवर करे जाते हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल इसी तरीके से चीज़ों को कवर करता जाएगा ताकि समझ में आए कि एक्चुअली क्या पढ़ना है बात समझ में आती ओके okay? तो क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम इफ थ्री को प्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देखिए ये तीन को प्लेनर पॉइंट है लेटर सपोज दिस इज पी दिस इज क्यू एंड दिस इज आर राइट ठीक है ये सपोज करते हैं कि ये जो एंगल है ये अल्फा बना रहा है ये जो एंगल है ये बीटा बना रहा है और यहां पर जो एंगल बन रहा है दिस इज गामा ओके okay? तो ये क्या है कॉनकरेंट को प्लेनर एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट पर है तो लामी थ्योरम क्या बोलता है कि लामि थ्योरम ये बोलता है कि फोर्स अपॉन बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का जो साइन कंपोनेंट बन रहा है वो लामिस्टोरम कंसिडर करता है तो लामी स्टोरम क्या है कि पी अपॉन साइन अल्फा पी अपॉन बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा क्यू अपॉन साइन बीटा बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा तो साइन कॉम्पोनेंट के साथ जो डील करता है वो कौन है लामीस्टरम तो लामी स्ट्योरम क्या करता है किसके साथ डील करता है इट डील्स विद साइन कॉम्पोनेट किसके साथ डील करता है साइन कॉम्पोनेंट के साथ डील करता है पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन साइन गामा राइट तो क्या है फोर्स अपॉन बाकी दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उसका साइन कॉम्पोनेंट उसका साइन कॉम्पोनेंट ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए राइट right? ये याद ही रखना है और मतलब ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज बहुत फ्रीक्वेंट यूज कॉन्सेप्ट है और कई बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट बस फॉर्मूला ही आ जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टू बी डबल्ड देन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम तो देखिए सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा हुआ है ये एल है ठीक है तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम भैया ये जो पेंडुलम है यहां से स्विंग करके यहां पहुंच गया या यहाँ से स्विंग करके यहाँ पहुँच गया राइट right? ऐसा ही है यहाँ भी अल है यहाँ भी एल है राइट right? तो क्या होता है फॉर्मूला हमने पढ़ा है टाइम पीरियड का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए ये इलेवंथ क्लास में पढ़ा जाता है बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है टू पाई अंडर रूट एल बाई जी क्या होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी क्या इतनी बात समझ में आती है बोलिए टाइम पीरियड इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी तो देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि अगर मुझे इस टाइम पीरियड को डबल करना है ठीक है अगर मुझे इस टाइम पीरियड को डबल करना है देखते हैं टाइम पीरियड को डबल करते हैं फॉर्मूला यही यूज होगा इसी में हम लोग अलग अलग केसेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो देखिए टाइम पीरियड इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी ठीक है पहला ऑप्शन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम शुड बी डबल्ड क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम शुड बी डबल्ड चलो लेंथ को डबल करो अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट टू एल अपॉन जी क्या मैं मतलब इसको ऐसे लिख पाऊंगा टू पाई अंडर रूट टू इन अंडर रूट एल अपॉन जी तो क्या जो नया टाइम आएगा वो रूट टू टाइम्स ऑफ पुराना टाइम होगा टी वन जो टी वन आएगा वो रूट टू टाइम्स ऑफ पुराना टाइम आएगा बिल्कुल आएगा तो इसका मतलब ये आंसर है गलत अगला द लेंथ ऑफ द पेंडुलम शुड बी क्वाड्रपल्ड तो क्वार्रपल मतलब क्या है डबल ट्रिपल क्वार्रपल चार गुना चार गुना कर दो फोर एल अपॉन जी तो ये कितना हो जाएगा टू पाई अंडर रूट फोर मतलब क्या है इसको अब मैं ऐसे ही लिखता हूँ अंडर रूट एल अपॉन जी और अंडर रूट फोर अंडर रूट फोर क्या होता है टू तो ये क्या हो गया जो नया टाइम आ गया क्या वो डबल आ गया पुराने वाले टाइम का तो इसका आंसर क्या है बी इसका आंसर क्या है बी ओके थर्ड द मास ऑफ द पेंडुलम शुड बी डबल्ड तो क्या यहाँ पर मास का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं मास नहीं है तो यहाँ पर मास का कोई मतलब नहीं है एंड लेंथ ऑफ द मास शुड बी डबल्ड गलत ओके क्या समझ में आया दिस इज अ गुड क्वेश्चन टाइम पीरियड इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी अगर डबल करना है तो लेंथ को चार गुना कर दो अगर लेंथ चार गुना होगा तो टाइम अपने आप डबल हो जाएगा बस इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा बात समझ में आती है